नमस्कार। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो अर्धवार्षिकी लाई गई है जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के लिए, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो सेट कर दिया गया उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो गर्व की बात है ये हमारे लिए, ये हमारे देश में है, भारत में सबसे ज़्यादा महिला पायलट। दूसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। तो साइक्लोथॉन नई दिल्ली में आयोजन किया, इससे हमारा क्या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस IIT के दो छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता? तो ये IIT इंदौर ने जीता है। 24वां क्वेश्चन है, 22 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार समूह की बैठक CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में डैश में हुआ था। तो ये खजुराहो में हुआ था। खजुराहो कहाँ है? बहुत वर्ल्ड फेमस खजुराहो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में है। 5वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ये फिजी में किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण फिजी, एक पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर देश में आइलैंड कंट्री है ये। इसका सर्वोच्च सम्मान भी ये भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाला पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? 100 विकेट आपकी दीप्ति शर्मा ने ले लिया है, 100 विकेट T20 में, बहुत बड़ी बात है। 7वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में WHO किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो मार्बर्ग रोग अब किस देश में मिला? ये इक्वेटोरियल गिनी में मिला है, जो कि आपका अफ्रीका का देश है। सब कोई भी डिजीज या तो चाइना में मिलेगा इधर उधर, नहीं तो अफ्रीका में मिलता है। WHO ने इसमें मार्बर्ग रोग यहीं पर मिला है, इक्वेटोरियल गिनी में। 8वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो ये खान मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है, संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक। 9वां क्वेश्चन है, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ए बी के प्रसाद को चुना गया है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ये। 10वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो भारत में पहली बार फार्मूला ई प्रिक्स रेस हुआ है, तो किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया जीन एरिक बर्गेन के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाला है अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? तो ईगल 44 क्या है, ये एक कोड नेम है, किस चीज़ का? अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का, मतलब अंदर है, जमीन के अंदर में एकदम, ईरान ने बनाया ऐसा। 12वां क्वेश्चन है, GSI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम की विशाल भंडार की खोज की है? तो जम्मू कश्मीर में मिला हमारे यहाँ लिथियम का भंडार। 13वां राजस्थान में मिल चुका है लिथियम का बहुत बड़ा भंडार। 13वां क्वेश्चन है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPS के फंडिंग में गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस IMPACT की मेजबानी की है? तो ये कनाडा के द्वारा किया गया है। 14वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जारी FAO स्टैट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व के में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो हम दूध के उत्पादन में चल गए हैं एक नंबर पर, भारत देश। 15वां क्वेश्चन है,
किस ऑपरेशन के तहत भारत के ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता दी थी? तो ऑपरेशन दोस्त, इसके तहत हमने तुर्की और उसके बगल सीरिया में बहुत हेल्प किया। 16वां क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर का पहला बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो यह INS विक्रांत पेयर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग किया है ना, लैंडिंग किया फिर वहां से टेक ऑफ भी किया। 18वां क्वेश्चन है, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम क्या है? ड्रोन एयर मैनेजमेंट सिस्टम है ये, है ना। अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये स्काई एयर ने बनाया ड्रोन एयर मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये आपके नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया। 19वां क्वेश्चन है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है। 20वां क्वेश्चन है, रियाना बड़नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई? तो रियाना बड़नावी ये एक औरत है, किस देश की औरत है? सऊदी अरब की औरत है जो पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है, जो अंतरिक्ष में जाएगी। 21वां क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस ये आपके मुंबई में चालू हो गया है। 22वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम 2023, तो इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर था, बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर सिंह तेंदुआ को बनाया गया, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन आपके कटक में किया गया, मतलब उड़ीसा में किया गया। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो यह झारखंड के द्वारा शुरू किया गया प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण। 25वां क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स च्वाइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये गुजरात के द्वारा पीपुल्स च्वाइस श्रेणी में टॉप पे रही है। 26वां क्वेश्चन है, इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया? तो मनमोहन सिंह बने हैं आपको, उनको मिला है अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया UK अचीवर्स के द्वारा। 27वां क्वेश्चन है, किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICI लॉन्च किया गया है ना? ये लॉन्च किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज अशोक लेलैंड दोनों के ज्वाइंट वेंचर से लॉन्च किया गया H2ICI, जो कि है पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार कौन थे वो जिन्होंने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 75वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रच दिया? तो ये आपके रिकी केज है जिन्होंने डिवाइन राइट्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है ना, रिकी केज उनका नाम। 29वां क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायासो को जैव विविधता विरासत स्थल BSC बायोडाइवर्सिटी BHS बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में प्रस्तावित किया गया था? यायासो BHS बनाया, ये आपका लद्दाख में है यायासो।
इसमें क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन के संदर्भ में कौन सुमेल था, तो आपको बताना कौन कौन है। तो कसीना धोनी विश्वनाथ, ये फिल्मकार थे। गायिका वाणी जयराम, पार्श्व गायिका थी तो गायिका लगा ही है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके कारण ही कारगिल युद्ध हुआ था। तो युक्त सभी सही है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना है, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी है। 32वां क्वेश्चन है, मैनुअला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। यहीं पर आपको इसी में मार्बो ये मिला था बीमारी, देखिए ये वाला मार्बो लोग यहीं पे मिला है और वहीं की प्रधानमंत्री बनी है अभी रोका बोटे। 33वां क्वेश्चन है, संगीत अकेडमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो ये बॉम्बे जयश्री संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 मिला है उनको। 34वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। ये तुमकुरु है, तुमकुरु भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है। 35वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपनी स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये सिंगापुर गए थे, सिंगापुर में 73 साल हो गए वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय का। 36वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो यही तुमकुरु कर्नाटक में ही हेलीकॉप्टर निर्माण अब होगा, ये हमारे देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण जगह बन जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये कांगो रिपब्लिक के द्वारा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब कांगो गणराज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता किया गया है। 38वां क्वेश्चन है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद जो कि हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भारतीय भागीदार देश या कोई संगठन है, राष्ट्र है, कौन था, तो ये था SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 39वां क्वेश्चन है, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। तो फेम योजना का यही प्रोत्साहन देना कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा यूज करें, है ना, तो ये महाराष्ट्र वाले लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में टॉप पे रहे हैं। 40वां क्वेश्चन है, किन तीन देश में 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप से देने के लिए अपना साझा इरादे की घोषणा की है। तो इसके लिए इंडिया, फ्रांस और UAE संयुक्त अमीरात एक साथ आए हैं परमाणु ऊर्जा पर सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसर का पता करने के लिए। 31वां क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, लस लाइक नोबेल प्राइज उधर एजुकेशन सबके क्षेत्र में। तो ये किसे दिया गया है, ये लुइस कैफरली को दिया गया। 42वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो ये लातूर महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी 131वीं जयंती में 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। 43वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत डैश के समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्ष के लिए 15,000 करोड़ का कोष्ट आवंटित किया गया है। तो ये है कमजोर जनजाति समूह, उनको अब दिया जाएगा 15,000 करोड़ अगले 3 साल में। 45वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में
डैश 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर थे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी साहब हैं, अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस लीडर लीडर हैं ये। 40वां क्वेश्चन है, हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर निकाय कौन बन गया? तो पहला शहरी निकाय ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन बन गया? ये इंदौर बन गया, मध्य प्रदेश में है। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग का प्रदान किया गया? तो कांगड़ा कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ के चाय को अब जीआई टैग मिल गया। 48वां क्वेश्चन है, 2022 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम क्या था? थीम देश कौन सा है, मतलब देश बताना हमें। तो ये है भारत, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का भारत है थीम देश। 49वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथानॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो मेथानॉल से चलने वाला पहला बस अब बेंगलुरु में अनावरण किया गया। 50वां क्वेश्चन है, बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 किसको मिला गया है? तो ये मिला है हमारे देश भारत को। तो ये था सेट नंबर 8 का 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।